एनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। गोंदिया का रुका हुआ विकास पूरा करना है तो गोंदिया को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मांग। प्रफुल्ल पटेल, इन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, इस वजह से मैं पटेल के लिए जान भी दे सकता हूँ। संजय दत्त। गोंदिया जिले का रुका हुआ विकास पूरा करना है तो गोंदिया जिले को मध्य प्रदेश में समाविष्ट करना होगा, ऐसा सूचक विधान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ इन्होंने किया। वो स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल इनकी 113वीं जयंती निमित्त शालेय और पदवीतर पाठ्यक्रम में सर्वाधिक गुण लेकर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सुवर्ण पदक वितरण कार्यक्रम प्रसंगी बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त और प्रफुल्ल पटेल ये उपस्थित थे। दरम्यान गोंदिया जिले के चांगुरली गाँव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा इस गांव के पास से वैनगंगा और बाघ नदी होने के कारण इस जगह पर बैरेज के माध्यम से पानी का भंडारण कर सिंचन के साथ ही पीने के लिए पानी, यह फायदा इन दोनों राज्यों के किसान वर्ग को होगा। उस वजह से इस बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ इन्होंने कुछ ठोस कदम लेने चाहिए, ऐसी मांग पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल इन्होंने अपने भाषण के माध्यम से दी। उस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ इन्होंने गोंदिया जिले को मध्य प्रदेश से जोड़ने के बाद यह सवाल छूटेगा, ऐसे सूचक विधान दिए। बीएसटी में गोंदिया जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीजे पटेल कॉलेज कंडवा की छात्रा है, टेक्नोलॉजी गोंदिया बीए की छात्रा है। गोंदिया जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने का मैं मनोहर भाई पटेल। एसएससी में भंडारा जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कुमारी साक्षी सुनील भावले। वैनगंगा विद्यालय हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। एचएससी ने भंडारा जिले में सर्वाधिक अंक उन्होंने प्राप्त किए, उनका भी अभिनंदन है। स्वागत को ताजा करने के लिए हम उनका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं, ये देश का गौरव बने, यही शुभकामनाएं उनको देते हैं। कुमारी प्रज्वल राकेश राजपूत गोंदिया की छात्रा है, 17-18 वर्ष में एमबीए में प्रथम क्रमांक प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नीतू के नाम आया, हमारा विद्यार्थी गौरव गणेश इसका चयन हुआ है, इसरो में इसका चयन हुआ है। यशवंत मंदिर इस पूरी व्यवस्था को देखते प्रतिवर्ष अच्छा काम करने वालों को हम इसी तरह प्रोत्साहित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल इन्होंने कहा, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हमारे जिले पिछड़े हुए हैं, उनको बहुत कुछ विकास के काम करना है। कमलनाथ जी, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आपके जो उनकी ससुराल गोंदिया की आपको मालूम है, और इसलिए गोंदिया वालों ने भी उनको बहुत देखा है, और अब हमको आपको देखना है गोंदिया की नजरों से। मैं आपको गोंदिया के साथ बार बार क्यों कह रहा हूँ कि हमको आपसे कुछ लेना है, आपको यहाँ बुलाया है तो हम कुछ ले भी तो ले। हम चाहते हैं, गोपाल दास जी को भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि यहाँ से आप जहाँ से अभी एयरपोर्ट आए 7-8 किलोमीटर बाद मध्य प्रदेश की सीमा है। आपको कई बार आए हैं इसके मुझे आपको बताने की जरूरत। दोनों के बीच में बॉर्डर पर नदी बहती है, वैनगंगा भाग नदी, ऐसा यहाँ से हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का डिवीजन है। वहां पर हमने प्रपोज किया हुआ है, प्रोसेस में है। गोपाल दास जी ने भी उसके लिए काफी प्रयत्न किए हैं, कागज काफी बन चुके हैं, एक
डांगोडली गांव है उसके नाम पर एक बराज बनाने का है। बराज, वो बराज बनेगा तो पानी रुकेगा और उसका आधा पानी मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में उपयोग होगा, आधा पानी हम लोग उपयोग करेंगे। ज्यादा महंगा भी नहीं है, 266 करोड़ का है, 300 करोड़ का है, और इसलिए और तो एक साल में बनने वाला नहीं, 2-4 साल लगेंगे। आपके कार्यकाल में आप उसका भूमि पूजन करिए और आपके कार्यकाल में आपके उसका उद्घाटन करिए। ये बड़ा बनेगा, सिंचाई बढ़ेगी। बुद्धा भाई आपके आपके क्षेत्र में आने वाला है, उन्हीं के क्षेत्र में आने वाला है, इसलिए यहाँ के और वहाँ के दोनों प्रतिनिधि यहाँ क्षेत्र में बैठे हैं, तो आप जरूर इसके बारे में अवश्य विचार करेंगे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ इन्होंने कहा, नेतृत्व में आज जो मैंने देखा, मैं तो कई दफा ही आया पर मैंने ये शिक्षा संस्थान भी देखे, आज जो मैंने देखा मुझे बड़ी खुशी हुई। आपने बात करी सिंचाई योजना की, दो ही तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो है कि मध्य प्रदेश इसे स्वीकार कर ले, उससे अच्छा तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि आप गोंडिया को मध्य प्रदेश में जुड़वा दीजिए और के लिए आवश्यकता नहीं होगी। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा तरीका चुनना है, पर ये मैं कह सकता हूं कि गोंदिया और हमारा बालाघाट पानी से वंचित नहीं रहेगा, ये मेरा आश्वासन है आप सबका बहुत बहुत। तो महाविद्यालय के पटांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में अभिनेता संजय दत्त इनको देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी। संजय दत्त इन्होंने भी प्रतिसाद देते हुए फिल्मी डायलॉग मारते हुए दर्शकों के मन जीते। पूरे वक्त में प्रफुल्ल पटेल इन्होंने बहुत साथ देकर मैं अभी उनका कर्जदार हूँ, मैं पटेल के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, ऐसे विधान संजय दत्त इन्होंने दिए। गोंदिया जिले में फिल्मी इंडस्ट्री निर्माण होनी चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने उस वक्त प्रफुल्ल पटेल इनसे की। प्रभु भाई के बहुत करीब थे, अमन सर के बहुत करीब थे और इनका आभारी है। और पूरे वक्त में जब मैं अकेश चल रहा था तो प्रभु भाई मुझे मिले, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो नेता थे, वो हमेशा मेरे परिवार थे और आज से मुझे पता चला कि वो नेतागिरी भी करते हैं। लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और वो हमेशा हमेशा खड़े रहे दस परिवार के लिए। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इनके लिए जान भी दे दूंगा। प्रफुल्ल भाई से एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री लोनावला खंडाला पूना ये सब जगह जाते हैं, अब हमें एक ऐसा मौका दीजिए कि गोंदिया को हम फिल्म फ्रेंडली करें, ऐसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा एक चीज होना चाहिए जहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे भी आकर काम करें और फिर आप सबको भी बहुत सारा काम मिलता है। जी सर, और जाने से पहले एक चीज को कहना चाहता हूँ, वास्तव देखिए क्या हे माँ, हे माँ, ये क्या दिखने लिए रे टुकु टुकु, अरे ये दिखने लिए क्या, ये देख, ये गुजराती राष्ट्रीय केवली मंडल और
तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आईजी प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।